कृष्णा और जॉन ब्रेम्बो पेयर भी मोमी के साथ आपका पेयर बहुत अच्छा लगा है। और मोमी आई थिंक मैं उसकी जितनी तारीफ करूं कम है, शाइस्ता और मेहनत करने वाला बंदा है, जुनूनी आर्टिस्ट में रही हीरो कहां गए हमारे पास, जुनूनी आर्टिस्ट जिसको कहते हैं वो मोहम्मद राना है। ना सिर्फ आर्टिस्ट अच्छा है बल्कि इंसान भी बहुत अच्छा, उसकी फेथ जो है ना, अपनी स्टोरी जिस तरह दूसरी दफा वो किस तरह खड़ा हुआ यार, आई डोंट थिंक मैंने ज्यादती की उनके साथ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ओन करती हूँ। चैनल पर के जब मैंने फिल्म को अनाउंस किया था तो उनकी जगह कोई और था, मगर उन्होंने मुझे डिच किया, वो मतलब मेरे यूनिट पहुंच गया और वो नहीं आए, और जितना मुझे 20-25 लाख का लॉस हुआ वो मैं उसको बता नहीं सकती कि मेरी इस वक्त क्या कैफियत थी, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये फिल्म सबसे महंगे बजट की है, तो काफी वजूहत है जिनकी बिना पर इसका बजट बहुत ज्यादा हो गया। मोमी जैसे दोस्त हों तो फिर बच जाता, बट फिर मैंने मोमी के जो एक कॉल की वहां से कि मोमी मुझे आपकी जरूरत है और आप कहते हैं तो मैं फिल्म को बंद करके या तो वापस आ जाऊं यूनिट के साथ या अगर आप मुझे फेवर दे दें। बट एक होता है ना क्लैप होनी चाहिए, ब्लैकमेल करना कि जी मैं इतने पैसे लूंगा या थोड़ा एटीट्यूड दिखाना, मोमी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और साथ साथ रेम्बो ने अली सलीम के बारे में मुझे लोगों ने बड़ा कहा था कि बहुत तंग करेगा आपको, मगर उसने भी इतना कोऑपरेट किया। उठाया कैसे अली को आप लोगों ने, मुश्किल काम था क्योंकि मुझे याद है अली सलीम एक दफा मेरे प्रोग्राम में आए थे और 3 बजे से मेरा बंदा उस घर में, मतलब उन्होंने मेहनत बहुत की और एक कॉम्बिनेशन के जॉनी लीवर, रेम्बो और अली सलीम का क्या मजेदार कॉम्बिनेशन, बहुत मुश्किल था मेरे लिए कॉमेडी बींग ए डायरेक्टर, इन 3 बड़े स्टार्स के साथ जस्टिस करना और किसी को गिले का मौका ना देना कि उसको एक ज्यादा जुमला मिल गया। बैठी हो ना तो हमारे दूसरे स्टार्स मजबूर हो जाते हैं कॉल करने पे, बहरोज सब्जवारी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम बहरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। और अरे आपने तो मुझे ऐसे ही खुरचंद में बोल दिया ना, तो बोले जिसकी तारीफ करने के लिए फोन किया आपने। नहीं नहीं मैं तो दोनों की तारीफ कर रहा हूँ जी, बहुत जबरदस्त। और खास तौर से डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह हैं ही बहुत अच्छी, लेकिन रीमा ने हम सबका बड़ा नाम और पाकिस्तान का नाम बड़ा ऊंचा किया है उस हवाले से कि जिस रवैये से और जितनी मेहनत इसने की है, जिस तरीके से ये बात करती है, माशाल्लाह हम सबको बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील कराया है इन्होंने। ये मैं अपने दिल की बात है, ये सफीना की भी बात है, मेरी भी बात है और जावेद की भी बात है, यकीन जानिएगा। और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, ये जो इनकी फिल्म आने वाली है इंशाल्लाह ताला। जावेद ने मुझे बताया था कि बहुत अच्छा काम, बहुत डेडिकेशन से इसने काम किया है, तो ये अल्लाह ताला की शान है कि जो आदमी मेहनत करता है और लगन से काम करता है, सिर्फ के दिल से काम करता है, अल्लाह ताला उसको सिला देता है इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहरोज। ऑफ कोर्स बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा इंसान, और इनकी मिसेस का तो मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करूंगी इस हवाले से कि मैं एक दूसरे चैनल के प्रोग्राम में गई, वो लेट नाइट ट्रांसमिशन थी, और अब यकीन करो कि अगले दिन उनकी मुझे कॉल आई। अब मेरी उनसे इतनी गपशप नहीं होती, मगर जितनी मोहब्बत से उन्होंने मेरी तारीफ की और मेरी हौसला अफजाई की कि मुझे लगा कि जैसे पता नहीं मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया। और मजेदार उनकी बाबा तो कॉल करके भी बताती भी है ना, सुनो ये कपड़े अच्छे लग रहे थे, ये जूते अच्छे लग रहे थे तुम्हारे, मैं भी भूल नहीं सकती। बहुत बात है। और जहाँ तक जावेद की बात है, जावेद शेख की, तो मैंने हमेशा कहा कि मैंने जैसे एवेन्यू कॉन्सेप्ट की बात की कि मैंने प्रोडक्शन में हमेशा उनको फॉलो करने की कोशिश की, और इसी तरह डायरेक्शन में जो एक आगे बढ़ने का जज्बा या कुछ करने का जज्बा मुझे जावेद शेख से मिला, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद बंदा था कि जिसने अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट कर बहुत अच्छी फिल्म्स बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल नो डाउट। और इस फिल्म के अंदर नदीम साहब और जावेद बीइंग एन एक्टर, ये जो एक लोगों को कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा बहुत अरसे के बाद, लोग महजूज हो गए इनकी परफॉर्मेंसेस दोनों की। I'm sure. एक और कॉल लेते हैं, किसकी जी? कनीज फातिमा साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं शायद? बिल्कुल ठीक ठाक। रीमा जी से बातें हो रही हैं, सुन रही हैं आप इनकी बातें? बिल्कुल इनकी बातें सुन रही हूँ। रीमा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक खैरियत। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका अपना हुस्न नजर है। अच्छा क्या पूछेंगी सवाल कनीज, सवाल क्या पूछेंगी इनसे? मैं इनसे ये सवाल करना चाहूंगी कि माशाल्लाह से एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, अब डायरेक्शन में भी हैं, प्रोडक्शन में भी हैं, तो क्या इन्होंने ऐसा कुछ सोचा है कि ये पॉलिटिक्स में आएंगी,
चलो जी, हमारी हमारे मुल्क की जो खवातीन है उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहें। वैसे सोचें आप, अगर पॉलिटिकल प्रोग्राम की रीमा खान होस्टिंग करने लगे तो कौन देखेगा उन्हें जो मुर्गे की तरह लड़ेंगे, बंदा तो होस्ट को ही देखता रह जाएगा। नहीं नहीं, सब देखेंगे, सारी खवातीन देखेंगे, है ना, रात 11 बजे भी हमारी व्यूअरशिप जाएगी ऊपर। बिल्कुल कनीज, बात यह है कि जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिशियन बनकर ही आवाम की खिदमत कर सकते हैं, इसके अलावा भी कर सकते हैं। उनकी तो बहुत एक जिम्मेदारी है, ये बहुत एक जिम्मेदारी की जॉब है, और आई थिंक जो जस्टिस करते हैं अपनी जिम्मेदारी से उनको लोग अच्छे और सुनहरी हरूफ में याद रखते हैं, वरना तो आपको पता है कि अब तो मीडिया कैसे खिंचाई करता है, जरा सी बात पता चल जाए किसी की तो बस ये है कि मेरा पॉलिटिक्स में आने का कतन कोई इरादा नहीं है। और जहाँ तक खवातीन के लिए कुछ करने की बात है तो अपनी फील्ड के अंदर इस प्लेटफॉर्म पर मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेट कर रही हूँ खवातीन को, और शायद अपने मुल्क को। जैसे हाँ। मैं फ्रांस फेस्टिवल में गई थी 2007 में, जहाँ पर मुझे वहाँ के मेयर ने सरकारी मेडल दिया था, जो मेंशन नहीं किया जाता। कोई क्रॉस द बॉर्डर की बात करते हैं तो उनको जरा कोई क्रेडिट मिलता है तो उनका मीडिया सातवें आसमान पर उठाता है, बिल्कुल उठाता है। अब इतनी मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि एक दूसरे मुल्क के अंदर वहाँ के मेयर ने मुझे सिटी हॉल के अंदर इतनी बड़ी तकरीब में वो सरकारी मेडल दिया, सिर्फ मेरी खिदमत पर, कि एक बंदी होकर ये इस फील्ड के अंदर इतने सालों से इतने मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी इंस्टीट्यूशन के, और ये अपनी ज़ात को लेकर आगे की जानिब चल रही है। इस्लामाबाद एम्बेसी से उन्होंने कंफर्मेशन ली और फिर उन्होंने मुझे वो सरकारी मेडल दिया। तो कहने का मकसद कि आप प्रोजेक्ट नहीं करते ना, हम प्रमोट नहीं करते इस चीजों को, कि अच्छा ठीक है रीमा को मिला। नहीं नहीं, हम प्रमोट करते हैं ना, कोई 10-12 साल पुराना क्लिप चलाएंगे और वो वाला क्लिप चलाएंगे कि जो खुद आर्टिस्ट ने भी नहीं देखा होता। नहीं, और वो आर्टिस्ट को शर्मिंदा करेंगे कि जान तुमने ये भी काम किया था। भाई गलतियां हो गई, हो जाती हैं, आपसे नहीं होती जिंदगी में गलतियां। शायस्ता, मैं कहती हूँ कि मुझे उस पर भी इसलिए अफसोस नहीं होता कि ना मैं उस वक्त इतनी मेच्योर थी, और अगर मैंने कोई ऐसा काम किया, मैं नहीं कहती कि मैंने नहीं किया होगा, ऐसी फिल्म्स भी की होंगी। जब आप ना समझी के उस दौर से गुजर रहे होते हैं कि जब आप क्वालिटी पर हमेशा क्वांटिटी को प्रेफरेंस देते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा काम है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर कामयाब है, ये तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आमिर खान को देखे, माजी में वो कैसी फिल्में करते थे और अब वो साल की एक फिल्म करते हैं, तो मगर उनके माजी को इस अंदाज से डिस्कस नहीं करेंगे, आज उनको परफेक्शनिस्ट के तौर पर डिस्कशन में वो आएंगे। तो ये हमारे यहाँ भी ये बात और ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बात होती है। आज देखें, आज ऑस्कर नॉमिनेशन की बात होती है। कैथरीन बिगलो, मेरा ख्याल है कैथरीन बिगलो, जिसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, और ये पहली फीमेल डायरेक्टर है जिनको। और क्या पता कल हमारी रीमा खान का नाम इस तरह आ रहा हो, यार यू नेवर नो। क्या एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। रीमा की फैमिली, अम्मा अब्बा बहने, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ब्रेक के बाद हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और इनके सबसे बड़े पाकिस्तान में सबसे बड़े फैन से भी मिलिएगा। कीप वॉचिंग, कीप ड्रीमिंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।